Assalamualaikum, मैं हूं अर्थात अगर आप देख रहे हैं महास न्यूज। आज हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन के जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो मंजूरी को वफाकी कैबिनेट इमरान खान ने वफाकी कैबिनेट के जो इलेक्शन रिफॉर्म्स जो परिमानी उमूर के जो वजीर वफाकी वजीर है अजम स्वाती, उसने जो 39 नुकाती जो इलेक्शन तजवीज़ दिए थे वो इमरान खान ने मंजूरी दी दी है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, सारे जो इलेक्शन जो होते हैं वो तकरीबन हमारे जनरल 13 जनरल इलेक्शन हुए हैं, वो सारे जो है वो गांधी ज़्यादा इलेक्शन करार दिए गए हैं अपने दौर में। तो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ थी उसने अपनी मुहालिफ को जिसने भी इलेक्शन जीता दूसरे पे दांगली का इल्ज़ाम लगाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी नुकात हैं जो 39 तजवीज़ है जिस पे अगर अमल किया जाए, क्योंकि जिसमें इलेक्शन के तरीक़ाकार है, इलेक्शन का तरीक़ाकार जो हो गया, पोलिंग एजेंटों की जो तायुन है, और साथ में जो इलेक्शन कमीशन पे कितने अमाउंट जो है वो इलेक्शन पे खर्च करनी है, और साथ में ये कि रिज़ल्ट जो है वो कब तक अनाउंस करना है, इन चीज़ों पे बात अगर हो जाए, क्योंकि पिछले हुकूमत ने भी जो पिछला जो इलेक्शन था उस पर भी इस तरह के तहफ़ुज़ात आए हुए हैं, बल्कि बहुत सीरियस तहफ़ुज़ात आए हुए हैं। तो इसको अगर हल किया जाए तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क में जम्हूरियत जो है वो मजबूत होगी, क्योंकि ये इलेक्शन ही होता है कि जिससे मुल्क की जो जितनी भी इदारे जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि अगर वो पार्लियामेंट में ईमानदार और शफाफ तरीके से लोग आए हुए होंगे, टैलेंटेड लोग आए होंगे, तो ज़रूरी बात है कि उसमें लेजिस्लेशन जो इदारे को चला लेंगे, जो कानून बनाएंगे, वो हम लोगों की आवाम की बेहतरी और मुल्क की इदारों की बेहतरी के लिए बनाए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी नुकात है जिसने फॉरेन सिटीज़न जो है वो जो फॉरेन जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ है उसको भी वोट देने का हक भी इसमें शामिल किया गया है, जो कि एक अच्छी तजवीज़ है, जो पिछले पाकिस्तान में इस तरह के वो कोई प्रोसेस इसको या तरीका प्रॉपर तरीका अडॉप्ट नहीं किया गया। अगर इस बार 2023 के इलेक्शन के लिए जो तरीका जो 39 तजवीज़ दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान की जो इलेक्शन सिस्टम है जितनी भी इसमें कोताहियाँ जो कमियाँ हैं वो दूर की जाए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ये बड़े अच्छे तरीके से होगा और ये मुल्क में काफ़ी अच्छी चेंजेस लेकर आएंगे, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे, क्योंकि ये मुल्क की तरक्की का ज़्यादा जमहूरी निज़ाम में मुल्क की तरक्की का जो बड़ा दारोमदार है वो इलेक्शनों में होता है, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी पिछले इलेक्शंस पे वो तहफ़ुज़ात आए हैं, जो हमारे मुल्क में हालात ख़राब किए गए हैं, तो इस तरह के हालात से बचने के लिए ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, वो इसको ये जो जितनी भी तजवीज़ है उस पर गौर करेगी और संजीदगी से गौर करेगी, और जितने भी मसाइल पहले हुकूमतों ने दरपेश किए जो उसको मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ख़त्म करेंगे, जितनी की कोताहियाँ थी, जो कमज़ोरियाँ थी सिस्टम में वो ख़त्म करेंगे, ताकि हमारे मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल हो सके, और अच्छे तरीके से जो इलेक्शन हो गए हो जाए हैं तो उस पर के बाद में तहफ़ुज़ात आना, बाहर शहरियों को निकालना, ये बहुत मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है ये इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी और अमल दरामद के काबिल बनाएगी। शुक्रिया। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस करें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हों।